हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज बहुत फिट किस्म का लाहौर का मौसम है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तो सोचा कहीं बाहर निकलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और साथ आपको भी लेके चलते हैं। हम क्या खाने जा रहे हैं नाश्ते में बताएं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो मिल गया नहीं फिर भी कुछ तो बताओ। हलवा पूरी और साथ कीमे वाली टिक्की। यस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे पोजेस तो भाई यहाँ चलते रहेंगे, पर आपने मुझे ना सबसे पहले जाके कमेंट सेक्शन में बताना कि किसको बारिश में हलवा पूरी खाना पसंद है। ये आ गई हमारी जवेद मिल्क शॉप। है मिल्क शॉप लेकिन पूरी हलवा बहुत मजे का बनाता है। वहाँ मेरी हलवा पूरी बन रही है, आई थी क्रेविंग हो रही थी सुबह सुबह, और हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। आहा नाश्ता आ गया, गरम गरम हलवा पूरी, यम्मी। गरम गरम है इस हलवा, बारिश के पानी साथ। मुझे जवा भाई मौसम अच्छा और ऊपर से घर वाले नाश्ता कराने बाहर ले भी आए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो कीमे वाला कतला मैं थोड़ी छोड़ूंगी, वो भी खा जाऊंगी। नाश्ता करने के सीधा 5 घंटे आराम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अचार गोश्त बनाने के लिए। और जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने कहा फटाफट आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। तो मैंने डाला जनाब ऑयल के अंदर चिकन, और साथ डाला लहसुन अदरक की पेस्ट, और अब मैं इसमें अचार गोश्त का मसाला डालने लगी थी। लहसुन अदरक की जब स्मेल हल्की सी चिकन की खत्म हो जाए तो उसमें आप ये मसाला डालते हैं थोड़ा सा बचा के रख, और इसे आपने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने एक प्याली जितनी दही डाल दी थी, फेंट के डालनी है, वैसे नहीं डालनी आपने, सही है, वो डाल दें। और जब दही भी भुनना शुरू हो जाए तो मैंने ये जो फ्राई किया हुआ मसाला, वो मसाला क्या पागल हो गई हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। ओहो मैं बताती हूँ, मैंने फ्राइड अनियन डाला था इसके अंदर, पहले से जो फ्राई हुआ बाजार से मिलता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला, मिक्स किया और ढक कर रख दिया मीडियम आंच पे पकने के लिए चिकन को। मीनवाइल फारिक बैठने से बेहतर है आप 10-15 लें सब्ज मिर्चें, उसको मिडिल में से एक कट लगाएं, और जो अचार गोश्त का मसाला बचा हुआ था ना वो आप एक प्लेट में डालें। लेमन जूस मैंने निकालने की जहमत नहीं की, मैंने कहा बॉटल वाला है वो ही डाल लेते हैं, और ढेर सारा वो डाला, इसको मिक्स किया, क्योंकि भाई झटपट बना रहे थे तो झटपट ऐसे ही बनता है। ये तकरीबन 25 मिनट के अंदर हमारी रेडी हो गई थी डिश। और उसके बाद ये सब्ज़ मिर्चों में आपने इस तरह से भर लेना है, और हाँ सब्ज़ मिर्चों के बीज ज़रूर निकाल लीजिएगा। अच्छा ये टमाटरों की पेस्ट मैंने डाली थी ऑयल के अंदर, जो टमाटरों का एक मसाला सा बना के हमने चिकन के अंदर डालना है ना, टमाटर काट के नहीं डाले क्योंकि उसमें टाइम लगता है। टमाटरों की प्यूरी ये 5 मिनट के अंदर भून गई थी। उसके बाद आपने वो जो टमाटरों की एक पेस्ट सी थी, ये मसाला, ये आपने चिकन के अंदर डालना है और इसे मिक्स करना, और देखते देखते मुंह में फिर पानी आ रहा मेरे हाय। फिर मैंने इसको चेक किया और मुझे लगा कि कुछ कमी है, तो मैंने एक और अचार गोश्त का मसाला खोला, फिर मैंने वो डाला, थोड़ा नमक डाला, कुटी हुई मिर्च डाली, थोड़ा सा और लेमन जूस डाला, और अब जो मैंने चखा ना तो आए स्वाद आ गया था, अब बिल्कुल मेरे टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी सब्ज मिर्चें डाली, कमाल की शक्ल बन गई थी, साथ साथ गरम गरम चपातियाँ बन रही थी घर वालों के लिए, और मेरी चपाती की गुलाई पे ना चाहिए कि थोड़ी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो अब हम कर रहे थे खाना सर्व और बहुत ही मज़े का बना था, आई एम श्योर आप भी शायद ऐसे ही बनाते हो। मैंने कहा अपनी क्विक सी रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर लेते हैं। 5 hours later वो लोग जो बाहर जाना भी नहीं चाहते और शॉपिंग भी करना चाहते हैं और ऐसे कपड़े भी चाहते हैं, तो क्या करें, क्या करना है, क्या करना है भैया, आपने मेरे पेज पे जाना भी है ना क्लोथिंग पे, वहां पर आपको इस तरह के सारे कपड़े स्टिच अनस्टिच सब कुछ मिलेगा। उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक को क्लिक करना है और जाके सारी वैरायटी आज ही चेक करनी है, समझ रहे हो। 2000 years later I look at you and it's easy to see। रात में हम सब फैमिली का ना मूड बन गया था कि कुछ मज़ेदार किस्म का कर दें, तो हम आ गए प्लेडियम में, और कि इतनी मज़े की जगह, यहाँ बच्चों से लेकर ना बड़ों तक के लिए हर टाइप की गेम्स होती हैं, आप आके यहाँ बहुत इंजॉय करते, सही ड्रोनों लाइटिंग शोर हल्ला गुल्ला होता है इधर,
बहुत मजा आता है। अच्छा ये प्लेडियम है कहाँ पे? ये प्लेडियम है जनाब लाहौर के अंदर, और कमेंट सेक्शन में ना मैं इसका जो एड्रेस है वो पिन कर दूंगी, आप जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाएं वहाँ पे। यहाँ पर पहली गेम हमारी यार स्टार्ट हो चुकी है और बहुत मजा आया था इसमें, मैं बहुत अच्छी तरह से पिटी थी। पिटते पिटते मेरी तो चीखें निकल गई निकल गई थी कसम से। खैर उसके बाद ये जो हमने जीता हुआ था ये उसकी टिकट्स निकल आई, जीतने वाला बंदा भी अपना ही था और हारने वाले भी हम ही थे। तो खैर ये टिकटें तो इन एनी केस हमारे पास से आनी थी। उसके बाद ये दूसरी गेम मेरी चली थी दोबारा से और बहुत मज़ा आया था इसमें, तो भाई मैं चैम्पियन हुई, इसमें मुझे नहीं हरा सकता कोई, इसमें बहुत मज़ा आता है खेलने का मुझे ये। मेरी सारे दिन की रूटीन आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। सब्सक्राइब का बटन ना तोड़ दें आज, कसम से तोड़ ही दें। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।